की तरह आज के वीडियो में भी ढेर सारा नॉलेज आपको मिलने वाला है, बहुत कुछ सीख के जाओगे आज के वीडियो में आप। सबसे पहले मैं इसका जो स्विंग सिलेंडर है उसको खोलने वाला हूँ, खोल के सिर्फ उसको चेंज करके बिठाने वाला हूँ। लेकिन आपके बहुत अलग अलग काम में आने वाला है ये वीडियो। किसी भी रीज़न से आप सिलेंडर खोलना चाहते हैं पूरा असेंबली, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले मैं आपको रीज़न बता देता हूँ मैं ये सिलेंडर क्यों खोल रहा हूँ। पीछे एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में, किसी ने ये सिलेंडर जो है उल्टा डाला था, ठीक है, उल्टा ये सब कुछ आपको दिखा था। जेसीबी 3DX मशीन है, ये देख सकते हैं आप, ये जो सिलेंडर है, ठीक है, पिछली बार किसी ने सिलकिट के लिए खोला था तो उल्टा बिठाया है। आपके जितने भी जेसीबी 3DX पे ऑपरेटर है तुरंत पहचानेंगे, तुरंत उनके ध्यान में आया होगा ये पाइप जो है कभी उल्टा या यहाँ पे नहीं होता, अंदर की तरफ होता है, इस तरफ दोनों पाइप एक देख सकते हैं, उस तरफ का नीचे है और एक का ऊपर होता है। अभी भी कभी भी जाके आप चेक कर लोगे तो ये आपको अंदर की तरफ मिलेगा। उससे क्या होता है, जब स्विंग लेफ्ट को हो जाता है तो यहाँ पे लगता है और आपका पाइप टूट सकता है ना, तो ये स्विंग करेगा पूरा। तो आज वो क्या हुआ, कस्टमर जो है और ऑपरेटर है उन्होंने शायद घर पे खोला था सिलेंडर और किसी और जगह से चेंज करके लाया सिलकिट, और ये सोचा उन्होंने कि ये जो नाम है जेसीबी ये दोनों को ऊपर ही रहेगा, ये सोचते हुए उन्होंने ये सिलेंडर बिठाया। पिछले एक वीडियो में मैंने दिखाया था आपको, और पाइप भी उल्टे किए थे, तो पाइप तो मैंने उनको सीधे किए थे उस टाइम पे, अभी उसको लगभग महीना हो गया होगा, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ऐसा ही मशीन खड़ा है, चला नहीं है। तो अब ये चलने वाला है, ऑपरेटर इसको मिला है, तो ये काम हम करके देने वाले, स्टेप बाय स्टेप का आपको सबको बताऊंगा, सबको सब बताऊंगा आपको। एक क्वार्टर पिन खोलनी पड़ेगी, यहाँ की पिन मुझे नीचे लेनी पड़ेगी, उसके बाद ये जो बोल्ट है 6 वो खोल के इस प्लेट को नीचे लेना पड़ेगा, उसके बाद ये पाइप खोलने पड़ेगी, कुछ पाइप बाहर उठा के सिर्फ उल्टा करके मैं पिटाने वाला हूँ। ये सारा प्रोसेस आपके सामने करूँगा, तो जिन्हें लगता है कि ये नॉलेज हमारे काम आएगा वो सारा वीडियो देखिए, कभी ना कभी नॉलेज काम में आ ही जाता है, उसका कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहीं से। इस टोटल प्रोसेस को टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसके लिए मैंने वीडियो को फास्ट किया है और आपको बताऊंगा मैं क्या क्या कर रहा हूँ। जो स्विंग के ऊपर की प्लेट है उसके मैंने बोल्ट खोलने स्टार्ट किए हैं, इस तरफ लेफ्ट साइड के 3 और राइट साइड के 3, लेफ्ट साइड के 3 बोल्ट खोल चुका हूँ मैं, अब राइट साइड के भी आप देख सकते हैं 3 बोल्ट खोल रहा हूँ, लगभग 6 के 6 बोल्ट हो चुके हैं खोल के। उसके बाद ये क्वार्टर पिन भी खोली है और ये रॉड की जो पिन है उसे निकाल देता हूँ, तो ये क्वार्टर पिन भी खोल के हो चुकी है लगभग, ये देख सकते हैं क्वार्टर पिन खोलने में भी काफ़ी टाइम जाता है। ये हमारे क्वार्टर पिन खोल के हो चुके हैं, ये पिन को नीचे गिरा रहा हूँ, ये पिन देख सकते हैं आप। अब ऊपर जाके थोड़ा सा सिलेंडर को मैं अंदर ले लूँगा, ये देख सकते हैं अंदर ले लिया मैंने स्विंग सिलेंडर को थोड़ा सा, अभी तक कोई पाइप नहीं खोला है मैंने, सिर्फ ऊपर की प्लेट निकालनी बाकी है, मैं अकेला हूँ इसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। इस तरफ से थोड़ा, उस तरफ से थोड़ा, ऐसा पेचकस लगा के जो है प्लेट को आपको ऊपर उठाना है, यही सेम काम मैं कर रहा हूँ। थोड़ा वीडियो को फास्ट इसीलिए किया था ताकि आपके समझ में आए। ये प्लेट देख सकते हैं आप, मैंने खोल के रख दी है साइड में। अब थोड़ा आपको अंदर का दिखाना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। अंदर के होज पाइप सारे के सारे मैंने खोल दिए हैं, बिठाते टाइम मैं आपको वो दिखाऊँगा। अब मैं सिलेंडर को अकेला ही हूँ तो इसके लिए मैं सिलेंडर को उठा के नीचे ले लूँगा। तो ये हमारा स्विंग सिलेंडर जो लगभग है उसके पूरे होज पाइप खोल के मैंने साइड में लिए हैं। अकेला जब पकड़ोगे तो बहुत ध्यान से सावधानी से करना है आपको, ये देख सकते हैं सिलेंडर हमारा यहाँ नीचे आ चुका। करने का वाला नहीं हूँ मैं, सेटिंग क्या करूँगा, सिर्फ ये जो है ये अंदर भी की तरफ जाएगा, यानी कि ये जैसे भी नाम नीचे हो जाएगा और इसको मैं उल्टा करूँगा, और इसका भी पोजीशन मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, इसका पोजीशन उल्टा करना पड़ेगा, नीचे से लाना पड़ेगा मुझे, बस इतना ही करने वाला हूँ, वो भी आपके सामने ही करता हूँ, चलो कोई बात नहीं।
ये मैंने 24 का बॉक्स लगा के ये जो आपके सामने मैं घुमा रहा हूँ इसे बोलते हैं जेड पाइप। ये देख सकते हैं आप, इसको मैंने घुमाया है। अब जब ये ऐसा बैठेगा तो ये ऊपर आएगा, ये ऊपर आना चाहिए हमेशा, जैसे कि वो है वहाँ पे देख लीजिए, ऐसा ऊपर रहना चाहिए। बस इतना ही करने वाला उस पर और ज़्यादा कुछ नहीं, और फिर हो सके तो थोड़ा कम ज्यादा सेटिंग उधर ऊपर जाने के बाद करना पड़ेगा। मैं स्विंग सिलेंडर को अकेला उठा रहा हूँ, आप कभी कोशिश मत करो क्योंकि आपको हाथ पैर को लग सकता है, दिक्कत होती है, हमें डेली की आदत है इसके लिए वो चलता है, आप ये ट्राई मत करो, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सिलेंडर को बिटा के जो पाइप का मेन है, कौन सा पाइप कहाँ पे बैठना चाहिए, ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अंदर जाके दे दूंगा पूरी। ये सिलेंडर हमारा पे बैठ चुका है वहाँ पे केपीसी के अंदर, थोड़ा सा पीछे से उठाने से ये देखिए बैठ चुका है। अब अंदर की पूरी जानकारी दे देता हूँ मैं आपको। ये सिलेंडर का पाइप यहाँ तक यहाँ पे आया था ना, बराबर है। अब देखो एक यहाँ पे गया और एक वहाँ पे नीचे, हमेशा ऐसा ही रखना है। सिर्फ ये नाम ऊपर है बोल के इसका भी ऊपर करोगे ऐसा नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर खोलने से पहले ही फोटो निकाल के रखिए या वीडियो निकाल के रखिए, जिन लोगों को जमता नहीं। और विदाउट ट्रेनिंग विदाउट जानकारी के ये काम नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत रिस्की है, हाथ पैरों को लग सकता है। मजबूरन मुझे वीडियो को फास्ट करना पड़ रहा है क्योंकि आप में से कोई भी इतना बड़ा वीडियो नहीं देखता। अभी मैं ऊपर का प्लेट बिठा रहा हूँ, जो तीन तीन बोल्ट जो छः बोल्ट मैंने ऊपर के निकाले थे 30 नंबर के, उसको मैं बिठा रहा हूँ। ऊपर से प्लेट मैंने बिठा दी है और उसके बाद जो 6 बोल्ट होते हैं वो लगाए हैं मैंने। अब आगे का आपको बताता हूँ, पूर्ण जानकारी बाकी है। इसके बोल्ट टाइट किए हैं मैंने, ठीक है, क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो रहा था, ये टाइट किए। ये अब यहाँ पे लगाना है और अंदर का बहुत जरूरी है वो दिखाता हूँ सबसे पहले मैं आपको। ये देखिए, मैंने पिछली बार भी समझाई, यही पे गड़बड़ हो गई तो कुछ फायदा नहीं है। ये इसे जेड पाइप बोलते हैं दोनों को। इसका डिजाइन कैसा होता है, इस सिलेंडर का नीचे वाला जो ये पाइप है, ठीक है, ये पाइप आपका यहाँ पे लगेगा इस सिलेंडर के जेड पाइप को, और इस सिलेंडर वाला पाइप इधर लगेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, वो लगा के लेता हूँ। और जो ऊपर का पाइप है ये वाला वो भी इस मेटल पाइप को लगेगा, जिधर का जिस साइड से आया उस साइड को लगाना है, ठीक है। पहले वो लगा के लेता हूँ मैं और फिर आपको दिखाता हूँ। ये अंदर के बोल्ट जो पाइप है वो टाइट कर रहा हूँ। लेफ्ट वाले सिलेंडर का जो अंदर से पाइप आता है वो वाला मैं राइट साइड वाले जेड पाइप को लगा रहा हूँ, और राइट वाले सिलेंडर का लेफ्ट वाले जेड पाइप को लगा रहा हूँ। ये बात को आपको दिमाग में फिट करना है, हर मशीन में सेम प्रोसेस, ठीक है। अभी देखो इस सिलेंडर का पाइप देखिए, नीचे से ये आया यहाँ पे, ये देखो यहाँ से आया पाइप, ये देखिए कहाँ पे लगाया मैंने, ये देखो इस सिलेंडर के ये वाले पाइप को लगाए। अब इस सिलेंडर का पाइप देखिए, देखो ये वाला पाइप, ठीक है, ये देखिए ये पाइप लगाया मैंने इस वाले सिलेंडर को, और उसके जो पाइप है जहाँ से आता है वहाँ से लगाया। ये पाइप कभी भी गलती से भूलना नहीं है। अभी प्लेट का भी नट बोल्ट टाइट हो चुका है, सिर्फ आगे का जो पिन है उधर का लगाना बाकी है, उसको अभी मैं चालू करके लगाऊंगा। इधर कोई आदमी नहीं है हेल्प के लिए, तो एक तो बहुत ही पहले से ही वीडियो बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है, इसके लिए मैं वीडियो को ज़्यादातर काट लिया हो चुका है। तो आशा करूँगा वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाले
सारी की सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल सके।